नमस्कार, आप देख रहे हैं livecities.in। सर, नंदन गांव में जो गिरफ्तार लोगों था उनको अभी तक छोड़ा नहीं गया था, बल्कि नीतीश कुमार ने आश्वासन भी दिया था, इस पर क्या कहेंगे सर आप? देखिए, नंदन गांव की घटनाओं को हमारे नेता श्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने स्पष्ट किया था कि प्रशासन जिस तरीका से तांडव करने का काम किया, ये प्रशासन की चूक है। जिसके विधायक जदयू के विधायक ददन पहलवान ने स्पष्ट कल कर दिया कि यह चूक जो है, ये जो है माने प्रशासन की चूक है, तो इस आधार पर तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को स्पष्ट हो गया कि प्रशासन के चूक उनके विभाग के लोगों ने, उनके पदाधिकारी ने करने का काम किया है, इसलिए जो है कि इस अब इस पर उनको नैतिकता के आधार पर अपना जो है कि इस्तीफा दे देना चाहिए निश्चित रूप से, या नहीं तो बिहार की जनता से माफ़ी मांगना चाहिए था। ये स्थिति है। एगो सिर्फ नंदन गांव ही नहीं है, इस तरह के बिंदी कुमारी नाम की व्यक्ति है जिन पर गैंग रेप किया गया भागलपुर में, कहलगांव में, और आज तक उसके जो है कि लोग भगवा मारे छुट्टे भगवा रहे हैं, उस पर कोई काम नहीं हो रहा है। जहाँ जिधर जाकर के देखिए, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम जिधर भी ताकिए, दलितों पर महादलितों पर अत्याचार हो रहा है, उनकी हत्या हो रही है, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, अपमानित किया जा रहा है, लेकिन बिहार सरकार मौनी बाबा बनकर करके तमाशा देख रही है। इसी को लेकर करके राष्ट्रीय जनता दल ने आज जो है कि पूरे राष्ट्रीय जनता दल के सभी जो दलित विधायक हैं वो सभी मिल कर करके आज धरना का कार्यक्रम राष्ट्रीय जनता दल के झंडा के नीचे करने का काम किया है, और यह चीज़ हम लोग सड़क से लेकर सदन तक हम इसको उठाने का काम करेंगे। जब वो उपेंद्र पासवान ऐसे विधायक जिन पर जानलेवा हमला किया जाता हो, और उसके जो है कि जानलेवा हमला करने वाला वो सिर्फ बहुआ रहा हो, खुलियाम घूमता हो, ऐसे परिस्थिति में हम क्या उम्मीद रख सकते हैं कि जब बिहार के विधायक पर जब जानलेवा हो सकता है, जो सुरक्षा के घेरा में है, बाकी लोग को क्या हो सकता है? राम भरोसे। सर, जिस तरह की सियासी हवा बहने लगी है, ऐसा कहा जा रहा है कि RJD रालोसपा के साथ जा सकती है? जा नहीं सकती है। RJD के पास जो जिनको आना है वो आएगा, निमंत्रण देने के लिए हम तैयार हैं। जो राष्ट्रीय जनता दल के हमारा सामाजिक न्याय है लालू प्रसाद यादव जी का, जो अपना सामाजिक न्याय है तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में जो कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं, जिन लोगों को सामाजिक न्याय को जरूरत है वो समझो, हम उसको स्वागत है, तो हम लोग निमंत्रण देते हैं। सर, परसों शिवानंद तिवारी ने जेल में जाकर आनंद मोहन से मुलाकात की, कल पप्पू यादव की तारीफ की, कहीं ना कहीं आप इन दोनों शख्सियतों को भी शामिल करना चाह रहे हैं RJD? हमारा कहने का अर्थ है कि हमारा जो है कि सर्वजन पार्टी, हमारा सभी जाति की पार्टी हमारी है, सभी जो है कि ऊंच नीच दबे कुचले शोषित पीड़ितों की पार्टी है। यहाँ कोई ये नहीं बात है कि कोई सवर्ण समाज के यहाँ चले गए तो सवर्ण, अगर सवर्ण समाज के हमारी पार्टी नहीं होती तो हमारे यहाँ स्वर्गीय रघुनाथ झा जी केंद्रीय मंत्री कैसे बनते, अखिलेश सिंह केंद्रीय मंत्री कैसे बनते, रघुवंश बाबू केंद्रीय मंत्री कैसे बनते? और हमारे यहाँ इस तरीके का जात पात नहीं है। सामाजिक न्याय में गरीब शोषित पीड़ित दलित वर्ग और सामान्य वर्ग के गरीब और प्रगतिशील व्यक्ति भी का भी स्वागत है, और लोग रहते हैं और पार्टी के काम करते हैं।